हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट, टुडे आई ब्रॉट अ क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट इन दिस क्वेश्चन द होल टॉपिक एग्जिस्ट। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है और जो पूरा होल टॉपिक है आपका, पूरा जो चैप्टर है, जो कि लास्ट में हमने जो पोयम की थी, जो आपको एक्सप्लेन किया था स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग, वो पूरी पोयम इस क्वेश्चन में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। अगर आपने ये पढ़ लिया तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, इसी से निकले वो, ठीक है। अगर ये टोटल पूरा क्वेश्चन आपको पता है, पूरी समरी आपको पता है पोयम की, तो यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट जो क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर सब कुछ कर पाएंगे। सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द समरी ऑफ द पोयम विच वी स्टडीड इन लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में जो हमने पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो हमने पढ़ी थी, उसकी मैं समरी बता रहा हूँ। तो समरी देखें इसकी, जो लास्ट में पोयम पढ़ी थी, जो 16 लाइन की पोयम थी, चार स्टेंजा थे, ठीक है, चार चार लाइन के चार स्टेंजा थे। 16 लाइन की जो पोयम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जो हमने पढ़ी थी, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जिनका जन्म 1874 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1963 में हुई, उनकी जो पोयम, जो कि अमेरिकन पोएट थे, उनकी जो पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो हमने पढ़ी थी, उसकी समरी आज मैं लेके आया हूँ। और यही आपके सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं समरी। ऑन अ डार्क इवनिंग, एक गहरी रात में, ठीक है, इवनिंग का मतलब यहाँ पे शाम ना निकाले, आप रात ही निकालें। ऑन अ डार्क विंटर इवनिंग, एक सर्दी की गहरी रात में, द नरेटर, नरेट एक वर्ब है, नरेट का मतलब होता बताना, व्यक्त करना, कोई कहानी कहता है ना तो उसको नरेटर बोलते हैं, नरेटर मतलब कहने वाला। तो जो नरेटर है, जो कहानी, जो वक्ता है, वक्ता जो है हमारा, वक्ता कौन है, पोएम जिसने लिखी वही बोल रहा है। तो जो हमारा वक्ता है वो स्टॉप्स, वो रुका हुआ है या रुकता है, क्या रोकता है वो, हिज स्ले। स्ले का मैंने बताया था आपको पोयम में कि एक स्ले होता है, उसमें वर्ड नहीं आया था, यहाँ पे आ गया वर्ड स्ले। स्ले का मतलब होता बिना पहियों की गाड़ी, जो कि बर्फ में चलती, जिसको घीस के ले जाते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्रिश 3 मूवी में जो काल रहता है, विवेक ओबेरॉय, काल जिसका कैरेक्टर का नाम है काल, विवेक ओबेरॉय, वो अपने जब बर्फ़ में उसको जब जाता है, वो गाड़ी पे बैठ के जाता है, तो उसके आगे कुत्ते दौड़ते हुए जाते हैं, तो वो कुत्ते उस गाड़ी को खींचते हैं जो कि बिना पहिए की रहती है, उसको बोलते हैं स्ले। स्ले का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जिसमें पहिए ना हो और जो बर्फ़ में चले। तो क्या होता है ना, डार्क विंटर इवनिंग, एक सर्दी की गहरी रात में, द नरेटर स्टॉप्स स्ले, अपनी जो गाड़ी है वो रोकता है, टू वॉच, किस लिए रोकता है, देखने के लिए, क्या देखने के लिए, द स्नो फॉलिंग, स्नो फॉलिंग जो बर्फ गिर रही वो देखने के लिए, इन द वुड्स, एक वुड्स है, एक जंगल है किसी व्यक्ति का, व्यक्ति का जंगल इसलिए क्योंकि जो वुड्स वर्ड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किसी व्यक्ति विशेष का जो जंगल रहता है, जो देख रेख करता है, ठीक है, वो जंगल या वो पेड़, इकट्ठे पेड़ को वुड्स बोल सकते हैं, वो जो पेड़ है जिसकी निगरानी करता है, वो देखने के लिए, जिसपे स्नो फॉलिंग, जिस पे बर्फ गिर रही है, वो देखने के लिए रुकता है नरेटर। क्या होता है फिर, एट फर्स्ट, शुरुआत में उसको ये लगता है, ही वरीज, वो चिंतित है, नरेटर जो है अपना वो चिंतित है, दैट किस बात से चिंतित है, वो इस बात से चिंतित है कि द ऑनर, ऑन का मतलब होता है स्वयं का, खुद का, और ऑनर का मतलब होता है मालिक, जो मालिक है, किसका मालिक, ऑफ द प्रॉपर्टी, ये जो वुड्स हैं, ये जो पेड़ हैं, इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, जो मालिक है, विल बी अपसेट, वो दुखी होगा, किस बात से दुखी होगा, बाय हिज प्रेजेंस, हिज मतलब नरेटर। पहली बात, नरेटर ये सोचता है, वो चिंता करता है कि यार जो इसका मालिक है ना, वो इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो अपसेट होगा मेरी उपस्थिति से, मुझे यहाँ देख के वो अपसेट होगा, अपसेट मतलब दुखी होगा मेरी उपस्थिति देखकर। बट देन ही रिमेंबर्स, लेकिन फिर हमारे नरेटर को याद आता है, दैट द ऑनर लिव्स इन द टाउन, कि जो ऑनर है, जिसका मालिक है, वो तो उस कस्बे में रहता है, उस जगह रहता है, जंगल में तो ऑनर रहेगा नहीं, ऑनर कहाँ है, उस कस्बे में रहता है, एंड ही इज़ फ्री, ही मतलब अपना नरेटर।
तो वो सोचता है कि यार अब मैं तो स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ टू एंजॉय द ब्यूटी, इस सुंदरता को देखने के लिए। किसकी सुंदरता? ऑफ द फॉलिंग स्नो, ये जो गिरता हुआ बर्फ है जो कि पेड़ों पे गिर रहा है, इसकी सुंदरता को देखने के लिए मैं फ्री हूँ। ऐसा उसको रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद आता है कि जो ऑनर है वो तो कस्बे में रहता है, जंगल में तो होगा नहीं, इसलिए अब मैं क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। ये जो फॉलिंग स्नो है इसकी ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए, ठीक है। आगे क्या होता है, द स्ले हॉर्स, अब वो जो गाड़ी है बिना पहियों की गाड़ी, उसमें जो घोड़ा है जो कि उसको खींच के ले जा रहा है, इस कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो गया, एकदम गड़बड़ा गया वो, बाय हिज मास्टर्स बिहेवियर, अपने मालिक के इस व्यवहार से, इस रुकने के व्यवहार से वो घबरा गया, गड़बड़ा गया, कन्फ्यूज हो गया। बिहेवियर काय का, फॉर स्टॉपिंग फार अवे, इतनी दूर क्यों रुका है, फ्रॉम एनी फार्म हाउस, इतनी दूर किसी भी फार्म हाउस जहाँ पे मतलब हम रह ही नहीं सकते ना, वहाँ पे गर्म लकड़ी करने के लिए जगह है, अगर यहाँ रुक गए तो ठंड में मर सकते, विंटर नाइट है, विंटर इवनिंग, यार इतनी दूर एनी फार्म हाउस, किसी भी घर से, फार्म हाउस मतलब घर वाला, खेत वाला, ठीक है, फार्म हाउस, शायद वो फार्म हाउस उन्हीं के फार्म हाउस जा रहे थे, तो हॉर्स जो है वो सोचा कि किसी भी फार्म हाउस से फार अवे, इतनी दूर हम स्टॉपिंग रुके हैं, उससे वो कन्फ्यूज्ड है, अपने मास्टर के, अपने मालिक के इस व्यवहार से, उसने जो हरकत की है रुकने की, स्टॉपिंग की, इतनी दूर रुकने की किसी भी फार्म हाउस से, उससे वो क्या है, कन्फ्यूज्ड है। एंड शेक्स, और क्या करता है वो घोड़ा, हिलाता है, क्या हिलाता है, हिज हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स, मैंने आपको पोएम जब समझाई थी उसमें भी समझाया था, हार्नेस बेल का मतलब होता है जो जोता रहता है, जिसमें घोड़ा जोता गया है, वो रस्सियों में जो घंटियाँ लगी रहती हैं उन घंटियों को हिलाते, ऐसे गर्दन हिलाता है तो घंटियाँ बजती हैं। इन इम्पेशेंस, कैसे हिलाता है वो, बिल्कुल बेचैनी, इम्पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या धीरज, और इम्पेशेंस इसका एंटोनिम है, इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीरता, अधैर्य, ठीक है, जिसमें धैर्य ना हो, बेचैनी बोल सकते नॉर्मल वर्ड, तो बेचैनी में वो अपनी जो जोते में लगी हुई घंटियां हैं, जो उसके गले में पट्टा है उसकी जो घंटियां हैं, वो क्या करता है, शेक्स, शेक्स मतलब हिलाता है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, देर इज स्टिल एन ओवरवेलमिंग सेंस, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ज़्यादा प्रभाव डालने वाला, दो बातें हैं, रुकूं या चलूं, बात समझना, नरेटर के माइंड में, मन में दो बातें चल रही, बोलते ना आज तो एक मन के कि ऐसा करूं, दूसरा मन के कि ऐसा करूं, ठीक है, गांव में ऐसा सुना होगा आपने, तो ओवरवेलमिंग मतलब कि एक के ऊपर दूसरे की ज़्यादा प्रभाव है, तो देर इज़ एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ नरेटर्स अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनअवॉइडेबल, अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, छोड़ देना, अवॉइडेबल मतलब छोड़ देने योग्य, और अनअवॉइडेबल मतलब जिनको छोड़ा ना जा सकता है, तीन वर्ड से मिलके बना, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे उसके उत्तरदायित्व हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, किसके हैं वो, नरेटर्स, नरेटर के ऐसे उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, उसका ओवरवेलमिंग सेंस है, उसका ज़्यादा प्रभाव है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिन जो अनअवॉइडेबल है, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ही वुड प्रिफर, फिर भी वो क्या करता है, ही वुड प्रिफर टू वॉच द स्नो फॉलिंग, ये ओवरवेलमिंग सेंस होने के बावजूद भी उसकी अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऐसे कर्तव्य जो कि छोड़े ना जा सकते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव होने के बावजूद भी ही वुड प्रिफर, वो क्या प्रिफर करता, प्रिफर का मतलब होता है पहली पसंद, उसकी पहली पसंद अब क्या है, टू वॉच द स्नो फॉलिंग, कि वो क्या करे, गिरता हुआ बर्फ देखे, कहाँ गिर रहा, इन द वुड्स, उन पेड़ों पे जो बर्फ गिर रहा, उन जंगल में जो बर्फ गिर रहा, पेड़ों के झुंड में जो बर्फ गिर रहा, उसको देखे, इवन किसके बावजूद भी, इवन विथ हिज हॉर्स इम्पेशेंस, उसका जो घोड़ा है
वो इम्पेशन, यहाँ पे भी आया था इम्पेशन, बेचैनी। तो उसके जो घोड़े की बेचैनी है उसके साथ, इवन विथ हिज हॉर्स इम्पेशन, उसका घोड़ा बेचैन है, उसका घोड़ा बिल्कुल धैर्य नहीं रख रहा, अधीर है, उसके बावजूद भी वो स्नो फॉलिंग देख रहा वुड्स में, ठीक है। बट ही हैज प्रोमिसेस, लेकिन उसके कुछ वादे हैं टू कीप, जो कि उसको पूरा करने, कीप मतलब रखना, कीप प्रोमिस, वादे पूरा करना है, वादे रखना, रखना है पूरे करना एक ही बात है। तो उसके कुछ वादे हैं जो कि उसने किसी किन्हीं व्यक्तियों से किए, अपने जीवन से किए, भगवान से किए, वो वादे उसको पूरे करने, कीप मतलब यहाँ पे पूरा करना, ऑब्लिगेशंस, उसके कुछ कर्तव्य है दैट ही कैन नॉट इग्नोर, वो कर्तव्य, वो उसके जो कर्म कर्तव्य जो है उसकी जो एक तरह से कर्तव्य जो हैं उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इवन इफ ही wants, यदि वो चाहे भी तो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे कुछ कर्तव्य हैं उसके, ऑब्लिगेशंस है, ऐसी कुछ उसकी ड्यूटीज हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकता, इवन इफ ही wants, अगर वो चाहे भी तो। आफ्टर अ फ्यू मोर moments, कुछ क्षण के, कुछ और क्षण के बाद, या थोड़ा समय और गुजरने के बाद, क्या हुआ कुछ और क्षण के बाद, वो हम अगले इसी में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये इतना आपको समझ में आ गया, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू मोर मोमेंट्स उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। ऑन अ डार्क विंटर इवनिंग द नरेटर स्टॉप्स हिज स्लेड टू वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स, एक बार सर्दी की रात में जब हमारा वक्ता है वो अपनी गाड़ी को रोकता है बर्फ को गिरते हुए देखने के लिए जो कि वुड्स में पेड़ों पे गिर रही है। एट फर्स्ट इज वरीज दैट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी अपसेट बाय हिज प्रेजेंस, शुरू में तो उसको ये लगता है कि जो मालिक है वो मेरी इस उपस्थिति से अपसेट होगा, बट देन ही रिमेंबर्स दैट द ऑनर लिव्स इन द टाउन, लेकिन फिर अचानक उसे याद आता है कि यार ये जो मालिक है वो तो कस्बे में रहता है, जंगल में तो रहेगा नहीं यहाँ पे, एंड ही इज़ फ्री टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द फॉलिंग स्नो, और उसे पता लगता है कि अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, इस स्वतंत्र इस सुंदरता को एंजॉय करने के लिए जो कि गिरते हुए बर्फ की है। दस ले हॉर्स इज कन्फ्यूज्ड बाय हिज मास्टर्स बिहेवियर फॉर स्टॉपिंग अवे फ्रॉम एनी फार्म हाउस एंड शेक्स हिज हार्नेस बेल्स इन द इंपेशेंट, अब जो गाड़ी का जो घोड़ा है वो बहुत ही कन्फ्यूज हो गया अपने मालिक के इस अजीब बर्ताव से कि यार ये फार्म हाउस के इतने दूर क्यों रुका हुआ है, और उसी इंपेशन में उसी बेचैनी में वो अपनी पट्टे में जो घंटियाँ बंधी गले में जो घंटियाँ बंधी है उसको हिला के मतलब उनको हिलाता है, ठीक है। आगे लिखा है देर इज स्टिल एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ नरेटर्स अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी जो ज़्यादा प्रभाव है वो किनका है, नरेटर की, जो कर्तव्य जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसका ज़्यादा प्रभाव है, फिर भी वो क्या करता है, ही वुड प्रिफर टू वॉच द स्नो फॉलिंग इन द वुड्स इवन विथ हिज हॉर्स इम्पेशेंट, फिर भी वो अपनी घोड़े की बेचैनी के साथ, घोड़ा बेचैन है, घोड़ा सोच रहा है क्या हुआ, फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रिफर कर रहा है, उसको पहली पसंद क्या है कि वो स्नो फॉलिंग गिरते हुए बर्फ को देखेगा जो कि वुड्स पेड़ों पर गिर रही है। बट ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन उसके कुछ वादे हैं जो कि उसको पूरे करने, ऑब्लिगेशन दैट ही कैन नॉट इग्नोर, और कुछ ऐसे कर्तव्य जो कि उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता, इफ़ ही वांट्स टू, अगर वो चाहे भी तो उन कर्तव्यों को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू मोर मोमेंट्स, थोड़े और क्षणों के बाद, क्या हुआ थोड़ी और क्षणों के बाद, इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। चलिए तो अभी तक हमने देखा, एक्चुअली आई हैव टू स्विच ऑफ द फोन, सॉरी फैन, होता क्या है फैन ऑफ करना पड़ता है फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी वीडियो, अच्छी क्वालिटी का वीडियो, अच्छे साउंड क्वालिटी का वीडियो के लिए आई हैव टू स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ करना पड़ता है, इट्स ऑल फॉर यू, ये सब आपके लिए, ठीक है, बिना फैन ऑन किए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें। तो लास्ट में हमने पढ़ा है कि उसके कई ऑब्लिगेशंस है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता अगर वो चाहे भी तो, वांट्स टू, अगर वो चाहे भी तो, इफ ही वांट्स टू, अगर वो चाहे भी तो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ और क्षण के बाद, कुछ और क्षण गुजर जाने के बाद, द नरेटर रिलक्टेंटली कंटिन्यूस, इसी के बाद है ये, है ना, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं है। कुछ और क्षण गुजरने के बाद द नरेटर रेलक्टेंटली कंटिन्यूस, रेलक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा से, बेमन से, उसका मन नहीं है,
फिर भी रिलक्टेंटली बिना मन से कंटिन्यूज ऑन हिज वे, वो बिना मन से अपने रास्ते पे आगे बढ़ना फिर से कंटिन्यू कर देता है। इट इज़ अनक्लियर, ये बात अस्पष्ट है अभी तक, दैट व्हाट दीज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस आर, ये जो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं, ये जो विशेष कर्तव्य जो कि इस पोएम में जिक्र किया गया कि आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, तो जो प्रोमिसेस जो है, ये जो ऑब्लिगेशंस है वो क्या हैं, व्हाट दीज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस आर, ये क्या है अभी तक अनक्लियर है, ये बात अनक्लियर है कि जो विशेष कर्तव्य जो कि पोएम में डिस्कस किए गए ये क्या हैं। बट लेकिन जो फ्रॉस्ट मतलब हमारे पोएट जिन्होंने ये पोएम लिखी है, बट द फ्रॉस्ट डज सजेस्ट, लेकिन जो फ्रॉस्ट है हमारे पोएट जो है वो सजेस्ट जरूर करते हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं दैट द नरेटर इज पर्टिकुलरली, ये जो नरेटर है जो कि जा रहा है बोलने वाला, ठीक है, तो हमें अब ये पता लगा कि जो पोएट है वो अलग है और जो नरेटर है वो अलग है। तो पोएट फ्रॉस्ट जो है वो ये हमें सजेस्ट करते हैं, हमें ये बताते हैं कि ये जो कहने वाला है, ये जो व्यक्ति है, नरेटर है, ये जो वक्ता है, इस पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड, ये विशेष तौर पे अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ है टू द वुड्स, उन सुंदर पेड़ों की ओर, उन सुंदर जंगल की ओर अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, अट्रैक्टेड बिकॉज, क्योंकि देयर इज नॉट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट नहीं होता तो वो रुकता क्यों, क्यों, क्योंकि फार्म हाउस तो है ही नहीं पास में कहीं पे, तो अट्रैक्ट हुआ उस जंगल से, उस सुंदर जंगल से अट्रैक्ट हुआ क्यों, क्योंकि पास में कोई सा फार्म हाउस नहीं है जिस पे रुकने के लिए वो रुका है, इसलिए वो अट्रैक्ट हुआ किससे, इन पेड़ों से, इन सुंदर जंगल से। ही इज एबल टू इंजॉय कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, अलग थलग, एकदम अकेला, तो पूरा एकांत इंजॉय करने के लिए समर्थ है, वो एबल है, वो योग्य है अब इस पोजीशन में कि वो पूरा एकांत को इंजॉय कर सके। द पोएट गिव्स द मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज भी देता है पोएट, जो हमारे फ्रॉस्ट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वो एक मैसेज भी देते हैं, एक संदेश देते हैं, किस चीज़ का संदेश, ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, हमारे कामों में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए इन लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे काम में निरंतरता होनी चाहिए। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, ये जो हमारे फ्रॉस्ट है, ये जो हमारे पोएट है, ही मतलब पोएट, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो ही किसके लिए यूज़ हुआ, पोएट के लिए, तो ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, वो इस राय में है, उनकी राय ये है, किनकी, पोएट की, पोएट की ये राय है दैट लाइफ इज़ अ जर्नी, कि जो जीवन है वो एक यात्रा है, वेयर, जहाँ पर अ पर्सन, एक व्यक्ति को हैज़ टू परफॉर्म मेनी ड्यूटीज़, उस व्यक्ति को बहुत सारे कर्तव्यों को परफॉर्म करना रहता है, बहुत सारे कर्तव्यों को निभाना होता है, एंड हैज़ टू फुलफिल मेनी ऑब्लिगेशंस, और ऐसे कई कार्य और कई कर्तव्य जिनको पूरा करना रहता है बिफोर हिज डेथ। हिज मतलब पर्सन, ये रहा, ये हिज, ये जो हिज यूज़ हुआ है वो इसके लिए यूज़ हुआ, पर्सन के लिए, और ये जो ही यूज़ हुआ वो पोएट के लिए यूज़ हुआ है, तो पोएट हमें मैसेज देते हैं कंटिन्यूटी ऑफ वर्क का, और लाइफ एक जर्नी है जहाँ पे एक व्यक्ति को बहुत सारे काम, बहुत सारी ड्यूटी, कर्तव्य और बहुत सारे काम को परफॉर्म करना रहता है, वो मरे उससे पहले, उसकी मृत्यु से पहले व्यक्ति को बहुत सारे कर्तव्य और बहुत सारी कामों को परफॉर्म करना रहता है, ठीक। ही अर्जेस, अर्ज का मतलब होता है प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, तो ही अर्जेस वो हमें प्रेरणा देते हैं, नॉट टू बी अल्योर्ड, अल्योर्ड एक वर्ड है, ALLURED, अल्योर का मतलब होता है लुभाना, किसी चीज़ से आकर्षित हो जाना, तो हमें प्रेरणा देते हैं कि नॉट टू बी अल्योर्ड, हमें आकर्षित नहीं होना है किस चीज़ से, बाय अर्थली प्लेजर्स, ये जो पृथ्वी पर या भौगोलिक या ये जो पृथ्वी पे जितने भी खुशी है, प्लेजर मतलब खुशी, एक तरह के सुख, ये जो धरती पे जितने भी सुख हैं एंड ब्यूटीज और जितनी भी सुंदरता है, उससे अल्योर्ड नहीं होना, उससे आकर्षित नहीं होना, उससे लुभाना नहीं है। वाइल कब नहीं लुभाना है, वाइल मार्चिंग ऑन, हम चलें, जब हम चलें, कहाँ चल रहे हैं, टू अचीव द टारगेट,
जब हम टारगेट को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमें इन सुंदरताओं से, ब्यूटी से और इन सुख से, ये जो धरती पे जो सुख मिलते हैं और जो सुंदरताएं हैं, उससे अल्योर नहीं होना, उससे लुभाना नहीं है। तो उसको एक सुंदरता मिली थी वुड्स की, पोएट जो था नरेटर, उसको एक जंगल की, जो सुंदर जंगल थे वो सुंदर दिख रहे थे, उससे वो लुभा रहा था, उससे रुक गया था, उसको देखने के लिए रुक गया था। तो उसने कहा लास्ट की चार लाइन में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जंगल सुंदर है, गहरा है, काला है, बढ़िया जंगल है, लेकिन मेरे भी कुछ वादे हैं, मुझे मरने से पहले मीलों की दूरी तय करनी है। बात समझ में आ गई आपको? सो इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द पोएम ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। जस्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की, उसकी ये समरी है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ये समझ जाते हैं, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर ये बड़ा सा आप समझ गए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इसी से निकल के, इसी के टुकड़े रहेंगे वो जो कि निकल के आएंगे। सो इट वॉज द वीडियो फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट। इफ़ यू लाइकड दिस वीडियो, अगर आपको ये पसंद आया, देन यू कैन लाइक द वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वॉट यू कैन डू, और क्या कर सकते, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे नंबर नहीं दिए हैं, जो ऐसे ही समझ रहे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, तो देख लीजिए कितनी अच्छी स्टडी हो रही, ठीक है, लग ही नहीं रहा कि हम क्लास में नहीं हैं, घर पे बैठे बैठे आपको क्लास जैसा माहौल मिल रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर नॉट इन दिस ग्रुप। जिस ग्रुप में नहीं है उन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एक बार दिखाएं उनको कि क्या हो रहा है, कैसी हो रही पढ़ाई, उनको लगना चाहिए कि हाँ मजाक नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल टू। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ई टीचर जो आपको नीचे लिखा आ रहा है उसके साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, मेरी जो ग्रुप में मैं डालूंगा, ग्रुप से पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। So you can subscribe this video, you can share with the friends who are in government college, and one more thing, you can share with other friends who are not in government college. जो government college में नहीं है उनके साथ भी आप share कर सकते हैं, जो government college में नहीं है उन friends के साथ, उन लोगों के साथ भी आप video share करें, they should also learn, उनको भी सीखना चाहिए, ठीक है। सभी को ये video share करें जो कि third year के student हो, भले ही वो government college से हो या ना हो, ठीक है। बाकी उनको पहले ज़रूर कर देना जो आपके फ्रेंड हैं और अभी तक जुड़े नहीं हैं इस ग्रुप में, जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और जो अभी तक इस ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, उनको ज़रूर शेयर कर देना। हैव अंडरस्टूड? सो इट्स ऑल अबाउट समरी ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नो इवनिंग। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा और जो क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। ये पूरी समरी हो गई, अब शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन लेके आऊँगा। टिल दैट हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।